तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में। तो बच्चों कैनन ऑफ टैक्सेशन का मतलब हिंदी में होता है कर के नियम। देखिए इसका ये मतलब है कि किस तरीके के कर अच्छे और किस तरीके के कर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो ये चार करों के जो कैनन हैं वो एडम स्मिथ ने अपनी बुक्स वेल्थ ऑफ नेशन में बताए थे, जिसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कैनन बताया था उन्होंने वो बताया था कैनन ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए इक्वालिटी को आप दो सेंस में आप ले सकते हो। पहला तो ये हुआ कि इक्वालिटी का मतलब है कि सभी लोगों को इक्वल अमाउंट में टैक्स देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो टैक्स है वो प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि 10,000 वाला भी 10% दे, 20,000 वाला भी 10% दे, 30,000 कमाने वाला भी 10% दे। लेकिन दूसरे अर्थ में इक्वालिटी का मतलब है कि टैक्स का जो बर्डन है वो सभी व्यक्तियों पर सेम रूप से पड़े, यानी कि जो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति है और जो 20,000 कमाने वाला व्यक्ति है, दोनों का टैक्स देने की जो एबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी। इसका मतलब जो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति है उस पर कम परसेंटेज में टैक्स लगाना चाहिए और जो 20,000 कमा रहा है उस पर ज्यादा परसेंटेज में टैक्स लगाना चाहिए ताकि सोशल जस्टिस हो सके। तो एडम स्मिथ की पूरी थ्योरी के विचारों को पढ़ोगे, हालांकि उन्होंने केवल वर्ड यूज किया वो इक्विटी किया, लेकिन जो सेंस इसका लगाया जाता है वो लगाया जाता है इक्वल बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कि एक अच्छा टैक्स वो माना जाएगा जिसके अंदर इक्विटी हो। इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों से इक्वल के टैक्स वसूला जाए। इक्वालिटी का मतलब है कि जिस किसी से भी टैक्स वसूला जा रहा है उसके पास टैक्स का जो बर्डन है वो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, जिसका मतलब एक तरीके से जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो पहला फीचर आपको समझ में आ गया होगा, जिसका मतलब है कि टैक्स जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का ही माना जाएगा, वही एक टैक्स जो है उसका पहला उसका कैनन है। दूसरा है सर्टेनिटी। देखिए टैक्स का जो बर्डन है अगर वो सर्टेन नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी थी पेयर को, यानी कि टैक्स इस तरीके से लगाया जाना चाहिए जिसमें टैक्स पेयर को ये पता हो कितना टैक्स देना है, कब टैक्स देना है, किस तरीके से टैक्स देना है, किसको टैक्स देना है। यानी कि अगर ये जानकारी नहीं होगी तो टैक्स का सिस्टम अच्छा टैक्स नहीं माना जाएगा। यानी कि सर्टेनिटी का फीचर है कि टैक्स पेयर को पहले से पता हो कि किसे टैक्स देना है, कौन टैक्स कब टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है, किस तरीके से टैक्स देना है, ये सारी की सारी बातें पहले से निश्चित होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। तो ये दूसरा हमने फीचर समझ लिया। तीसरा फीचर है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि सुविधा का सिद्धांत। कन्वीनियंस का सिद्धांत कहता है कि टैक्स उस तरीके से लगाया जाना चाहिए जिसमें टैक्स पेयर को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, यानी कि कन्वीनियंस का मतलब है कि टैक्स पेयर जिस समय टैक्स देने में सबसे ज्यादा अच्छा फील करे उस पर उस तरीके से टैक्स लगाया जाना चाहिए। यानी कि कैनन ऑफ कन्वीनियंस का मतलब एक तरीके से ये भी है कि जो टैक्स की कैपेसिटी है उससे ज्यादा टैक्स वसूलना नहीं चाहिए। यानी कि कन्वीनियंस के दो सेंसों में ले सकते हो। एक तो देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको टैक्स पे करने में दुख ना हो, लेकिन इस तरीके से टैक्स लगाना चाहिए कि उसका जो दुख है वो टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूल ले, लेकिन दुख उसको कम से कम हो। तो ये भी एक तरीका है बच्चों। कैनन ऑफ इकोनॉमी, ये भी फीचर जो है वो हम एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया था। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि टैक्स सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि टैक्स वसूलने की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। देखिए अगर गवर्नमेंट एक रुपए का टैक्स वसूलती है तो ये देखा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। खर्च करने का मतलब है गवर्नमेंट को सिस्टम बिठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को कमिश्नर रखना पड़ेगा। इन सब पे क्या खर्चा नहीं होता, इन सब पे खर्चा होता है। तो एक अच्छा टैक्स वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट पे कम से कम आए। तो बच्चों ये सारे के सारे कैनन हैं, जैसे कि इक्विटी इक्वालिटी का हुआ, इक्वालिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया, प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स का नहीं बल्कि इक्वल बर्डन ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी की बात हमने कर ली, कन्वीनियंस की बात कर ली, इकोनॉमी की बात कर ली। तो ये सारे के सारे फीचर एडम स्मिथ के द्वारा बताए गए, आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी कुछ और भी हैं जो आप कह सकते हो एक तरीके से कैनन ऑफ टैक्सेशन है, जैसे कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का कैनन ये कहता है कि गवर्नमेंट का जो मेरे को जो टैक्स रेवेन्यू है उसको इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट इलास्टिसिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट
आवश्यकता अनुसार उस कर के स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपातकाल आ गया है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है जहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू की जरूरत पड़ रही है, वहां पे गवर्नमेंट इसको चेंज कर सके। यानी कि आवश्यकता के अनुसार जब गवर्नमेंट चेंज करने की एबिलिटी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी तो उसको बोलते कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इसके अलावा कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी बताती है कि गवर्नमेंट को टैक्स इस तरीके से वसूलना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी पर इसका बुरा असर ना पड़े। देखिए कोई भी टैक्स हो उसका प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। मान लीजिए मेरी इनकम 50,00,000 रुपए है, अगर गवर्नमेंट मुझसे कहेगी कि भाई 50% टैक्स मैं वसूलूंगा तो मैं काम ही करना बंद कर दूंगा। यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स इस तरीके से वसूलना चाहिए ताकि इसका बुरा असर प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रोडक्टिविटी खराब हो गई तो इकोनॉमी में टैक्स भरने वाले ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए एक अच्छा टैक्स के लिए जरूरी है कि उसके अंदर प्रोडक्टिविटी हो। कैनन ऑफ वैरायटी, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल टैक्स की जगह मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। इसका मतलब देखिए इंडिया की बात करें तो आपको टीवी, फ्रिज, एसी, दूध, पनीर, चाय, सब्जी सब पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट किसी एक चीज से टैक्स नहीं वसूल रही है। अगर मान लो गवर्नमेंट केवल कारों पर टैक्स लगाए तो हो सकता है लोग कार खरीदना बंद कर दे, लेकिन गवर्नमेंट एक अच्छा टैक्स सिस्टम में वैरायटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इनकम पर भी टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट मूवी जाओगे उस पर भी टैक्स लगाएगी, आप किसी मनोरंजन पार्क में गए एंटरटेनमेंट उसमें भी टैक्स लगेगा। यानी कि इस तरीके का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट केवल एक चीज से टैक्स नहीं वसूल रही है बल्कि हर चीज से टैक्स वसूल रही है। इसके अलावा कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब है कि टैक्स बहुत सिंपल होना चाहिए। आप टैक्स के इनकम टैक्स के फॉर्म का नाम ही सरल है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि टैक्स इस तरीके का होना चाहिए जिसमें एक आम व्यक्ति उसको आराम से असेसमेंट कर सके, उसको फिल कर सके। हालांकि जीएसटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो चाहे तो खुद भी अपनी जीएसटी रिटर्न भर सकता है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब यहां पे कहने की कोशिश ये की जा रही है कि टैक्स सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए जिसमें एक सामान्य व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे तब, जितना चाहे तब उतना आराम से टैक्स को सिंप्लीफाई कर सके। बिल्कुल सिंपल मतलब इसका ये है। कैनन ऑफ डिजायरेबिलिटी, यानी कि टैक्स पेयर को पता हो कि वो टैक्स क्यों पे कर रहा है। यानी कि देखिए अगर किसी को रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, सड़क सुरक्षा हो रही है, जस्टिफाई होना चाहिए टैक्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट जितना मर्जी टैक्स लगा दे और उसको टैक्स पेयर को पता ही ना हो कि वो क्यों टैक्स पे कर रहा है, तो जस्टिफाई होना जरूरी है। इसके अलावा कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी कि उनको पहले से डिसाइड होना चाहिए कि कौन टैक्स वसूलेगा। जैसे इनकम का टैक्स लेने की जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो कि स्टेट के साथ बांट दी जाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट तो इनकम टैक्स लेती नहीं है, मान लीजिए आप जमीन का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक चीज पे तीनों ही टैक्स लगाना शुरू कर दे, इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बच्चों ये सारे के सारे कैनन हमने आप बच्चों को डिटेल में समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।